आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अभी शाम से, अभी 6 o'clock हुआ है तो तब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे बच्चा पार्टी बैठी है। हैप्पी दिवाली गाइस। अरे वाह, से हाय। हाय कर दो। अभी एक्चुअली बच्चे सो के उठे हैं तो अभी एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा टीवी वगैरह देख रहे हैं। और इधर से आप देख सकते हो ये सब। तो यहाँ पे हमने डेकोरेशन ऑलरेडी डन कर चुकी है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई आने वाला है। कौन आने वाला है वो सरप्राइज नहीं रखते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ आने वाली है, छोटे वाली, तो उनका स्वागत के लिए, स्वागत तो नहीं है सच, मतलब आ रही है, तो हमने सारा डेकोरेट कर लिया है। आई होप कि आपके यहाँ भी सारे डेकोरेशंस हो चुके होंगे। तो आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इधर से लाइट खुली हुई है, मैं लाइट खोलने वाली थी बालकनी की। हाँ, तो यहाँ पे हमारी लाइटिंग्स लग चुकी है। यहाँ पे अभी ये मैं अभी टी लाइट रखने वाली हूँ, और मैंने रखी नहीं है तो उसको रात को जलाएंगे। और यहाँ पे हमारा ये छोटा सा गार्डन अभी हमने सेटअप किया है। और पीछे हमारा उसने यहाँ पे मेथी उगा रखी हमने, और धनिया अभी नहीं आया, मेथी उग चुकी है। एंड बहुत ही ठंडा हो चुका था, अभी कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। एंड अभी आज फिर भी धूप निकल के थोड़ा नॉर्मल सा हो गया है और अच्छा लग रहा है। तो इस बार दिवाली पे ठंडक हो चुकी है, बट आज थोड़ा नॉर्मल सा ही रहा है कि मतलब सही था। और खाने की प्रिपरेशन हो चुकी है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मैंने अपने हाथ से शुभ लाभ पहली बार। और आप लोग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से प्लेस कर दिए इधर की वॉल पे। एंड ये वाला रूम भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे बैठे हैं टेडी महाराज। और इधर की लाइटिंग भी हो चुकी है, बट इधर मैं आपको क्या ही दिखाऊं क्योंकि अभी कपड़े फैल रहे हैं, कल तो धुल नहीं पाए थे दो आज धुले हैं। और यहाँ पे लगी हुई लाइन बेडशीट्स की, ये धुल गए। और इधर हमारे हैं स्नेक प्लांट। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, तो अभी जाके छटा है, बारिश होके भगवान जी ने क्लियर कर दिया एकदम से। तो अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा था। एंड यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है, इसमें भी टी लाइट लगानी है। एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों की दिवाली कैसी बन रही है मुझे जरूर बताइएगा। तो हम तो काफ़ी एक्साइटेड हैं, सिस्टर इन लॉ आ रही हैं, पहली दिवाली है हमारे इस घर में और काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, सारी प्रिपरेशन हो गई ऑलमोस्ट, तो इसलिए। एंड एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैंने ये वाला मिरर लगा दिया है जो मैंने मीशो से बाई करा था, और उस पर लाइटिंग भी लगा दी है। कैमरे में थोड़ा बहुत जस्टिस नहीं हो पा रहा होगा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने एक स्नेक प्लांट लगा दिया है। और इधर हमने करी है थोड़ी बहुत डेकोरेशन, टीशा का टेडी बियर। हाय, हेलो, कैसी हो, से हैप्पी दिवाली बोलो। अच्छा, जय जय कर दो सबको, जय जय कर दो, जय 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 जय। लाओ बॉटल मेरे को दे दो, जय जय कर दो, जय जय। अच्छा नहीं, अभी नहीं करनी है। ओ अच्छा, मामा की तारीफ कर रही है। अच्छा अच्छा, मामा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बच 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 बच। तो यहाँ पे बन रहा है पनीर, और यहाँ पे बन रही है दाल मखनी। और आप देख ही सकते हैं कौन बना रहा है, हमारे यहाँ के मास्टर शेफ, जो कि बस नाम के लिए अभी खड़े हुए हैं और अब इनका नाम हो चुका है कि ये बना रहे हैं। अदरवाइज हमारी हाउसवाइफ बना रही है। और यहाँ पे पनीर ट्रायंगल शेप में बन चुका है। ये देखिए, ब्रिशा ने यहाँ पे गंदा कर दिया तो वो सारा क्लीन कर रही है खुद से। वेरी गुड ब्रिशा, परफेक्ट। बस 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 हो गई क्लीनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो, तो ये आ गई है। ये लोग पौने 7 तक आए हैं, 7 ही बजा दिए, पौने 7 क्या। इन्हें सुंदर
अबे मेरे को छू रहा है। इधर आ जाओ शिल्पी। ये कुछ मत लगाओ, एक चाय दो, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना ही खाएंगे। मामी इज बीइंग स्वीट टू अदर्स बट नॉट हरसेल्फ। क्यों बोले ना मजबूर है क्यों? मेरा तो फुटबॉल की वजह से आता है। ये तो बहुत है। बस हो गया। ये देखिए ये प्रीशा का चल रहा है लाड़ बुआ के लिए। ये देखिए ये देखिए कैसा था प्रीशा, कैसा है बताओ। हाँ बताओ 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 बिस्किट दिखाना, मेरे को बिस्किट दिखाना। कैसा है बिस्किट भी खिला दूंगी मैं। बुआ को लाड़ दो, खिला दो, खिला दो बुआ को, खिला दो प्रीशा, खिला दो प्रीशा। नाश्ता पानी हो चुका है और मैं ढोकला भूल ही गई थी देना, तो बाद में भी सर्व किया है ढोकला। और इधर है चलो देखिए दोनों बच्चे खेल के आ गए हैं और इन्होंने लेगो से बनाया इतना प्यारा घर। ये चिमनी है छोटी शिवांश और जिया ने मिलके। वाओ ये चिमनी भी बनाई है, गेट भी बनाया है, खिड़की भी बनाई है, बहुत ही प्यारा बनाया है दोनों ने मिलके। शेक करने वाली आवाज है। वाओ ये अंदर से बजने वाला भी है। वाओ वेरी गुड। तो शिवांश ने आते ही काम पे लगा दिया दीदी को और दीदी के सब मिलके देखो कितना सुंदर घर बनाया। ये घर हम 2 करोड़ में बेचेंगे। ओ माय गॉड बहुत महंगा है ये तो। क्या बात है। इतना महंगा घर कौन खरीदेगा। तो ये प्रिंस अभी बज रहे हैं 9:15 और बच्चों को अभी खाना सर्व कर रहे हैं हम लोग। खाना बन रहा है, सब्जियां वगैरह ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, रोटियां बन रही हैं और अभी खाना खाते हैं। तो आप चलिए बच्चों को दिखा दीजिए आप खाना खाने। मम्मी जी खाने में बताओ क्या बना है। हाँ बताओ। मैं बताऊँ? अच्छा मैं बताऊँ? हाँ बता दिया। हाँ वो मामी ने बता दिया ना क्या बना है। अच्छा ठीक है तो मैं फिर से बना बता रही हूँ। तो रोटी है, शाही पनीर है और दाल मखनी है। फूड ब्लॉगर क्या? राइस भी है, राइस भी है। तो इधर सब बैठ गया खाना खाने के लिए। आदमियों को खाना नहीं दिया। कहने लगी ना मम्मा खाने नहीं दो। बार बार खाना नहीं दिया, खाना नहीं खिलाया। सबूत देखो। मम्मा। तो फ्रेंड्स वो सब जा रहे हैं इसके लिए मेला देखने। और ये सारे बच्चे का तैयार हैं इसे जाने के लिए और इसे आप में खा लेंगे। डीजे भी लगवाया डांस करने के लिए मैंने तुम्हारे। ओ थैंक यू। तो मैंने अपनी नंद के लिए स्पेशल मेला लगवाया हुआ है और इनको बड़ा मेले का शौक है। तो मैंने इनके लिए मेले मेला लगवा दिया। इनका डिमांड थी हमारे लिए मेला लगवाना। फ्री में कोई नहीं चलाएगा। अरे उधर आगे पैसे लगेंगे मामी। अरे वो प्लेग्राउंड जो पुराना वाला है वो भी पैसे लगा दिए वहाँ पे आज।
देखनी है और देख ही लो आ गई हो तो। तो फ्रेंड्स हम लोग नीचे से घूम आए और काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो अभी हम आके यहाँ पे खेल रहे हैं। बच्चों ने कोई नया गेम बताया है तो हम वो एंजॉय करने वाले हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। चलो जी, चलो जी, बताओ क्या गेम है। तो इसमें क्या करना है, तो पहले इंग्लिश बोलनी है, फिर हिंदी बोलनी है, फिर नंबर्स के साथ, जैसे 1 2 3 4 ऐसे, और टर्न वाइज चल रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो हम सब लोग खेलेंगे और जो गलत होगा वो आउट होता जाएगा। हाँ ठीक है। सो स्टार्ट विद आउट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गेम खत्म होता है, क्योंकि जो हमारे कंटेस्टेंट है उनको 30 के बाद काउंटिंग नहीं आती। ये कंटेस्टेंट कौन सी क्लास में पढ़ती है, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, उनको 30 के बाद और एक ये कंटेस्टेंट है जो 1st स्टैंडर्ड में, इनको 100 तक करती है। हमें विनर नहीं पता है, तो नहीं, यू आर द विनर। ओके, तो हम बॉय को विनर डिक्लेयर कर रहे हैं, बिकॉज़ ही इज द स्मॉल वन। तो नहीं, फेयर प्ले, दोनों गोल करेंगे, लेट्स गो। नहीं, ये हमारा गेस्ट है आज के लिए, तो हम इसको हराना नहीं चाहते। और ये हमारे जी, मामा जी है, तो हम इनको हराना नहीं चाहते। जिन्नी ने खुद ही हार मान ली, क्योंकि 30 के बाद उसे काउंटिंग आती नहीं है। तो अब ये हो रही है गिफ्ट ओपनिंग, जो बहन लाई है भाई के लिए, बुआ की तरफ से शिवांश के लिए। अरे वाह, ये बुआ फूफा जी की तरफ से शिवांश के लिए, पर शिवांश इंटरेस्टेड है पापा वाले गिफ्ट में। खोलो खोलो, जल्दी खोलो, लाइट लगेगी अभी तो इसके अंदर। अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर गिफ्ट है भाई, पूरा बोलते हैं। वाह, लाइट लगेगी अभी इसके अंदर। ये है हमारा चंडीगढ़ से, ये है चंडीगढ़ का माल। चंडीगढ़ का माल, बेटा चंडीगढ़ का माल मत बोलो। सही लगाए ना। वाह, झरोका झरोका बोल दो, क्या बोलते हैं। आराम से शिवांश, आराम से, प्यार से अनबॉक्सिंग कर सकते थे आप। ओ माय गॉड, शिवांश के लिए देखो कितना लवली गिफ्ट आया है। ये कौन सा? वाव, तो यहाँ पे मैं अनबॉक्स कर रही हूँ प्रीशा का गिफ्ट। तुम आप भी दिख रही हो, कोई बात नहीं। नो शिवांश, बढ़िया है ना शिवांश, ऐसे कहीं और रखो, शिवांश टूट जाएगा ये, मोटा बोसी होगा। प्रीशा का तो अलग था ना, सुनो प्रीशा का टॉप, टॉप तो उसने रखा है। चलो इसको देखते हैं, जल्दी खोलो जल्दी खोलो। अब बस बेटा बंद कर ले, 2 मिनट दिखाने तो दो। बुआ के स्टूडियो के लिए लाई चॉकलेट आई है हमारे लिए, वहाँ की मशहूर बेकरी का सामान, और ये बहुत अच्छा लगता है, मैं बाद में आराम से खा लूंगी। और भी चीजें हैं गाइस, शिवांश इन पे ना, ये भी है, ये भी इमोजी पटरम पटरम, ये मोटा करने के लिए लेके आई है, क्योंकि कंपटीशन देना चाहती है कि अच्छे से मैं मोटी हो जाऊं। इन पे देखो इमोजी बनी हुई है,
पैसे वाली इमोजीज। तो ये हमारा अटरम चटरम, ये जान पूछ के मुझे मोटा करना चाहती हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से पतली हो चुकी हूँ। थोड़ा सा लाइक कॉम्प्लेक्स फील हुआ और ये जान पूछ के मैंने इतना सारा दिया है कि दिवाली पे मैं खूब दबा के खाऊं, खूब मोटी हो जाऊं। ये खाली कर दिया है, ताजा पानी दे दिया। एनीवेज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फिर से एक और बार थैंक यू। तो फ्रेंड्स अब हम पी रहे हैं 11 बजे चाय और मेरी दो फ्रेंडियां ऑब्वियसली मीठी बनने के लिए ऐसे करो और ये तो मेरी तो मीठी है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही। वंस अगेन हैप्पी दिवाली और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।